मैं अपने मजमे को बताऊं कि पैदा कौन हुआ और नाजिल कौन हुआ। नाम मरियम था। बोलो, रहती बैतुल मक़दस में थी। ईसा की विलादत का वक्त आया, जिब्रील आ गया, बीबी अल्लाह कह रहा है मेरे घर को छोड़, बाहर जा, ये इबादत खाना है, सजा खाना नहीं। बीबी मरियम ने कहा पालने वाले जैसे तेरी मर्जी। बिल्कुल सही है कि जहां इबादत होती है वहां विलादत नहीं होती। और बीबी मरियम चली गई गुलामुल और पूरा जमा। इसके बरक्स अली की मां काबा में नहीं रहती थी। थोड़ा बोलिए, थोड़ा बोलिए। इसके बरक्स अली की माँ काबा में नहीं रहती थी, रहती थी कसरे शैबा में, अबू तालिब के घर में। मगर जैसे ही अली की आमद का वक्त आया, जिब्रील आया बारगाह फातिमा में, हाथ जोड़ कर कहा बीबी अल्लाह कह रहा है अपने घर को छोड़, मेरे घर चल। क्या कहा? अपने घर को छोड़, मेरे घर चल। बीबी फरमाते जिब्रील चलती हूं मगर मुआयदा कर, ये ना हो मैं काबा का तवाफ कर रही हूं, अली की आमद का वक्त आ जाए और तू फिर आ जाए कि अल्लाह कह रहा है काबा को छोड़ घर जा। सुन, वो थी ईसा की मां जो चली गई। तवज्जो, तवज्जो, अब मैं जुमला कहने लगा हूं। कहा वो थी ईसा की मां जो चली गई। बस यहाँ पर मनाकिब सियादतुल कराम में अल्लामा आरिफ हुसैन कहते हैं कि जब मेरी सात नस्ले इसे आलिम पर कुर्बान, वो कहते जब अली की माँ 13 रजब को अली की आमद के लिए अपना घर छोड़कर जाने लगी तो अभी अली की माँ का एक कदम अबू तालिब के घर में था, दूसरा कदम बाहर था। आया हाथ जोड़ के कहा बीबी अल्लाह कह रहा है तू इतनी बड़ी अमानत दुनिया को देने जा रही है, लौलम लौलम अतनजा मिन हवारिजातिल बशरियते लनजरतो लकदुमिक। बीबी अल्लाह कह रहा है अगर मैं बदन रखता होता तो तेरा